केस डिस्पोज होने के बाद क्या करना चाहिए तो केस डिस्पोज हो गया है तो उसको पता करने के लिए आपको कुछ लोगों का प्रश्न था जो मैंने नोट कर लिया है और इसी में आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा तो पहला प्रश्न है पूछा है दीपक जी ने मध्य प्रदेश से उन्होंने कहा है कि, कि आपका वकील बता देगा या तो आप साइट पर जाकर आपका जिस भी कोर्ट में मैटर चल रहा है जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो वहाँ मध्य प्रदेश के साइट पर जाकर और केस स्टेटस जो है उसमें चेक करेंगे आप अपना नाम केस नंबर और जो भी है केस स्टेटस में नीचे में सबसे नीचे में होगा केस स्टेटस तो वहाँ से अगर आप चेक करेंगे और वहाँ पर आपको लिखेगा केस डिस्पोज तो उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं और आपने वकील से बोलकर भी केस डिस्पोज हो जाता है तो वहाँ से भी केस डिस्पोज के बाद आप कोर्ट से कागज़ निकलवा कर आप अपने थाना में दे सकते हैं जिससे आपको ये संतुष्टि हो जाएगा कि कोई पुलिस हमको अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी है ना तो केस डिस्पोज हो जाता है तो पुलिस को एक खबर हो जाएगा और उस, उसमें भी आ, उन, उनके डायरी में चढ़ जाएगा कि आपका आप केस ख़त्म हो गया है पुलिस आपसे कोई पूछताछ या ऐसा कोई सवाल नहीं करेगी ठीक है ना तो केस डिस्पोज का मतलब आपका केस ख़त्म हो गया खत्म हाला नंबर ये था और एक और है निधि झाँ निधि निधि झा ने पूछा है कि विदेश जा सकते हैं कि नहीं अगर अगर केस मुकदमा उन पर हो गया है कोई गंभीर अपराध है अगर मर्डर वाला अपराध नहीं है कोई ऐसा अपराध है नॉर्मल अपराध मारपीट का है ना अगर कोई ऐसा अपराध चल रहा है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं आप और वही कोई गंभीर अपराध है तो कोई संगीन अपराध है तो आप विदेश नहीं जा सकते हैं कोर्ट की इजाज़त आपको कोर्ट कभी नहीं देगी विदेश जाने के लिए क्योंकि तो जब आप वेरिफिकेशन कराएँगे विदेश जाने के लिए अपना वीज़ा वगैरह है ना तो ये चीज़ें वहाँ से क्लियर नहीं किया जाएगा रोक दिया जाएगा ये क्लियर वहाँ से मकसद भी यही होता है कि कोई आपका केस मुकदमा चल रहा है कि नहीं है ना और नॉर्मल कोई इशू हुआ है कोई अगर किसी केस में आपको फंसा दिया गया है झूठा केस में फ्रॉड केस में तो आप जा सकते हैं फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और केस डिस्पोज हो गया है केस खत्म हो गया है या मर्डर का हो या कोई भी केस हो जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया है तो खत्म हो गया तो बिल्कुल तो जा सकते हैं है ना तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया दूसरा ये पूछा इन्होंने सालिम सालिम खान सालिम खान ने पूछा हरियाणा से इन्होंने कहा है कि दूसरी शादी कर सकते हैं कि नहीं दूसरी शादी आप करना चाह रहे हैं पहले से क्या प्रॉब्लम है खैर जो भी प्रॉब्लम है आपका आप कर सकते हैं लेकिन आप पहले वाले से परमिशन लेकर अगर परमिशन मिल गया है दु... तो आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई एतराज़ नहीं है पहले वाले को तो आप कर सकते हैं बिल्कुल और आरिफ आरिफ जी पूछ रहे हैं कि एलएलबी करना चाह रहे हैं ये वकील बनना चाह रहे हैं आरिफ जी बिल्कुल अगर आपने टवेल्थ कर लिया है तो आप पाँच साल का कोर्स बी एल एल बी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं और ये कोर्स करने के लिए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं अगर वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई होता है आप चेक करिए वहाँ से आप अप्लाई करके उसका इंटीग्रेटेड कोर्स का बी एल एल बी का कोर्स के लिए आप एग्ज़ाम दीजिए और आप कर सकते हैं बिल्कुल प्राइवेट में अगर आप बी एल एल बी किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ी उसका फ़ी जो है वो ज़्यादा होगा एक लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपया प्राइवेट में तो लगता ही है ये फी चार्जेज और उनका भी कुछ उस प्राइवेट में हो जाता है प्राइवेट में आप चेक करेंगे लॉ के लिए सबसे अच्छा कॉलेज तो आपको मिल जाएगा एन में बहुत ज़्यादा कॉलेज है नोएडा ग्रेटर नोएडा में तो वहाँ से आप बी एल एल कर, कर सकते हैं इंटीग्रेटेड अगर आप किसी को ट्वेल्थ कर चुके हैं ग्रेजुएसन हो चुका है तो उसके बाद आपको तीन साल का एल एल बी करना पड़ेगा और इनका आगे ये पूछना है कि कोर्स करने के बाद क्या करेंगे वकील बनेंगे क्या करेंगे आप कोर्स करने के बाद वकील बनेंगे आप उसके लिए आपको आ, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग जो कराता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा और क्लियर करने के बाद आ, जो आपको मार्कशीट उपलब्ध होगा पास और फेल का तो उसको आप ले जाकर और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आपको वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ बार एसोसिएशन ऑफिस से एक फॉर्म लेंगे जो 800 या एक हज़ार का फॉर्म आएगा तो ये फॉर्म लेकर आप अप्लाई करेंगे और ये जो पास जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो हुआ था ये कॉपी उसमें लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट लगाएंगे और तत्काल के लिए दो साल के लिए आपको वहाँ से प्रोविजनल कार्ड आपको मिल जाएगा जिसके बेसिस पर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे दो साल के लिए और ए, उसके बाद जो है दो साल के अंदर जब कम्प्लीट होने वाला होगा दो साल तो आप परमानेंट कार्ड वहीं से पचास रुपये फॉर्म वहीं से फिलअप करके आप तो जमा करके एक परमानेंट आप कार्ड वकील का कार्ड आपको मिल जाएगा तो आप एक वकील हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ साल काम करेंगे और कुछ साल तजुर्बा जब हो जाएगा तो आप हाई कोर्ट का आ, हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ का भी बार एसोसिएशन ऑफिस है तो वहाँ का मेम्बरशिप फॉर्म आप लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे वहाँ का आप मेम्बर भी बन जाएंगे हाई कोर्ट का और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आप दस साल काम कर लेंगे हाई कोर्ट तो ठीक है यहाँ तक कर लीजिए फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो फिर हम इस टॉपिक पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीजर है वकील बनने का ठीक है तो ये चार पांच प्रश्न था जो मुझे कमेंट में पूछा गया था और मुझे आ, मुझे लगता है कि मैंने सभी प्रश्न आपके जो भी प्रश्न थे उसके जवाब दे दिया है मैंने और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में करिए और मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए ठीक है मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक यू सो so मच और ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं देता रहूँगा ठीक है बाय